ओके, गुड इवनिंग। आगे के प्रॉब्लम्स आज आपको लेक्चर आज म्हणजे आज लेक्चर अपलोड होईल एंड टुमॉरो यू विल गेट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड आई विल ऑल्सो सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स फॉर यू बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेस एंड मग याच्यावर सर टेस्ट घेतील, ठीक आहे। सो आजचं आपण सुरू करू। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया। सगळ्यात पहिले आई होप तुम्हारे अपना पराया स्वर्ग नर्ग इलिप्स के इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन क्लियर होंगे बिकॉज उसके बिना डायग्राम नहीं बनती। इन केस क्लियर नसेल तो यू आर फ्री टू आस्क मी, जस्ट ड्रॉप डाउन अ मैसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x square is equals to 16y, y is equals to x square is equals to बोला तो यह स्वर्ग और नर्क में चला जाता है। अब पॉजिटिव है इसलिए स्वर्ग, नेगेटिव रहता तो नर्क आ गया रहता। y is equals to 1, y is equals to 4 and the y axis lying in the first quadrant, very very important statements, lying in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इसलिए बिकॉज इससे काफी कुछ फर्क पड़ता है, वरना उस दिन जैसे मैंने बताया था कि तुमको दोनों क्वाड्रेंट में जाना पड़ता है अनलेस एंड अंटिल एक स्पेसिफिक कंडीशन ने दी ली है। दिस इज द कंडीशन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के में ही चाहिए मुझे। सो पहले तो स्वर्ग वाला पैराबोला, डायग्राम, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर फिर आएगा तुम्हारा स्वर्ग वाला पैराबोला क्योंकि x square is equals to 16y है, make sense? Okay, x square is equals to 16y, ये हो गया तुम्हारा स्वर्ग वाला पैराबोला। लाइंस कौन सा है, इधर हो गया 1 1 2 3 4, लाइंस कौन सा है तुमचा, इट विल बी y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू कुछ भी, अगर 11th स्टैंडर्ड का याद होगा y इज इक्वल्स टू कुछ भी बोला तो इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो y इज इक्वल्स टू 4 इज दिस लाइन, ये हुआ एंड y इज इक्वल्स टू 4 इज दिस लाइन, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4 इज दिस लाइन। सो बाय दैट लॉजिक माझा एरिया काय पाहिजे होता, दोनों साइड चाहिए था, बट उसने क्या बोला, उसने ये बोल दिया यार मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा एरिया से फर्स्ट, माय डायग्राम वोंट इज नॉट लुकिंग वेरी सिमेट्रिकल, बट ये सिमेट्रिकल ही होना चाहिए। ओके, तो सिमेट्रिकल पाहिजे, तो उसको थोड़ा ट्राई करता हूँ। नाउ इट लुक्स क्वाइट सिमेट्रिकल, सो दिस इज योर रीजन बाउंडेड बाय दैट कर्व एंड जो अपने को पूछा गया है। ओके, तो नाव द्यायचे नेहमी। सो कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो बराबर मार्क्स नहीं देता बिकॉज यू डिड नॉट गिव द नेम्स टू पर्टिकुलर, ये तो नाम देते रहने का हमेशा, y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1, देन ये क्या है तुम्हारा x स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट आगे चल के कर्व में काम आएगा, 16y। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लेवल, ठीक है, और कुछ नहीं, मैं थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगाऊंगा। रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अदा एकच एरिया है तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, राइट, एक ही एरिया है तो मुझे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 1 to 4, पण कोण 1 to 4, एक्स नहीं है वाय आहे, तो इट विल बी एक्स डी वाय। लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू कोण आहे, लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय, दिस इज वाय इज इक्वल्स टू 1, वाय इज इक्वल्स टू 4। ओके, अँड ते कशाशी राहतील नेहमी, एक्स डी वाय, ओके, एक्स डी वाय, कारण की आता वायशी लिमिट आहे तर आपलं फंक्शन पण कशाशी राहील, डी वाय म्हणजे वायच्या टर्म्स मध्ये राहील। सो इधर अगर मैंने कर्व नोटिस किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y, सो एक्स इज इक्वल्स टू 4√y, एक्स इज इक्वल्स टू 4√y, सो इंटिग्रेशन मध्ये गेलो आपण, सो 1 to 4 ऑफ 4√y dy,
आल फंक्शन वाई मध्य अपल फोर को बाहर निकालो, 1 to 4 ऑफ वाई टू द पावर 1/2 डी वाई, 1 to 4 ऑफ वाई टू द पावर 1/2 डी वाई. ओके सो वी गेट 4 1 to 4 ऑफ 4 1 to 4 ऑफ, या तो डायरेक्ट अपन यही कर लेते हैं, इंटीग्रेट करू तुम्ही आता हुशार झाले, 3/2 अपॉन 3/2 1 to 4. ओके सो 4 3/2 को उल्टा कर देना इंटू 2/3 एंड पुटिंग द वैल्यूज आई गेट 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2. अब 1 to the power एनीथिंग इज 1, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं अपने को, राइट. बट 4 to the power 3/2, आई विल रिपीट इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट सिंस एवरी लेक्चर, कि x टू द पावर 3/2 कैन बी रिटन एज x रूट x. x टू द पावर 3/2 कैन बी रिटन एज x रूट x. ओके पर अगर मैंने बोला 4 to the power 3/2, तो इट बिकम्स 4 root 4, विच इज 8. तो डायरेक्ट नहीं लियो, 8/3 इंटू 4 root 4 माइनस 1, 4 root 4 minus 1. ठीक है, सो वॉट वी गेट इज 8/3 4 root 4, 4 into root 4 इज रूट 4 का है, सो 2 2 minus 1 is 7. सो आंसर कितना आया, 7 into 8 56/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया. ठीक है, इज द रिक्वायर्ड एरिया. तुम्हाला अजून काहीच नाही, तुमको सिर्फ इक्वेशन कोणत्या कर्वचा आहे और वो कर्व कैसे दिखता है, दैट इज इम्पॉर्टंट. तो तुमको अगर डाउट होगा तो प्लीज मुझे पूछते जाओ, कारण की इलिप्स पैराबोला वगैरह सारखेच कर्व्स आहे, तो एक बार क्लियर करने में ज्यादा बेटर रहेगा. ओके या तो सर को भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1. फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1. अब थोड़ा कॉमन सेंस, सर्कल का एरिया, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. सर्कल का एरिया कह रहा तो अपना π a² सर्कल का एरिया क्या रहता है, π a². ओके सर्कल का एरिया क्या है, तो अपना π a² तो इलिप्स का, इलिप्स को क्या कहते हैं, सर्कल को ऊपर से ऐसे दबा दिया तो अपने को a का b हो जाता है एक साइड में. ये तुमको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अपन ने, इलिप्स को कैसे करना, सर्कल को ऊपर से दबा दिया तो मुझे एक साइड a ही रहता है और एक साइड छोटा b हो जाता है, तो इलिप्स बन गया अपना. सर्कल में इधर भी a, पर अगर ऊपर से दबा दिया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा, इलिप्स. सो इफ मतलब अगर सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग छोटी सी ट्रिक. एरिया ऑफ सर्कल रहा तो π a² जिसको लिखते हैं π a × a. ठीक है, π a × a. द एरिया ऑफ इलिप्स विल बी, अब एक a जो रहता है वो ऊपर का a, उसको दबा दिया तो वो b हो जाता है. सो व्हाट वी गेट इज π a b. ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है भाई प्रूफ करेंगे, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. अपने को अब कर्व पता है और सिर्फ एरिया ऑफ इलिप्स बोला है. ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा तो क्या करा, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर π a b करके आ जाना चाहिए. ठीक है, और तुम्हारा आंसर रेडी होना चाहिए. देन जब इलिप्स का जो भी इक्वेशन रहेगा उससे तुम एरिया निकाल सकते हो. सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल ड्रॉ द डायग्राम. इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स है अपना. ओके सो स्टैंडर्ड इलिप्स ड्रॉ करूं अपन. स्टैंडर्ड इलिप्स अपन ड्रॉ करूं. This is our standard ellipse. मुझे इसका एरिया निकालना है, मतलब वो कहां से कहां तक जाएगा देखते हैं. यहां से first it will go from 0 to a, यहां तक a है. ठीक है, मग तो इथून वरती जाईल b.
सो दिस इज ए कॉमा जीरो एंड दिस इज जीरो कॉमा बी तो मला याचा एरिया काढायचा आहे तो वी विल यूज लिटिल बिट ऑफ सिंपल कॉमन सेन्स काय करू आपण व्हाट वी कॅन डू इज वी विल फाइंड एरिया ऑफ जस्ट दिस टर्म और दिस साइड एंड वी विल मल्टीप्लाइड बाय फोर सो दैट चार ही याचा एरिया मिळून जाईल म्हणजे पूर्ण इलिप्सचाच एरिया होऊन जाईल आपला ठीक है सो अगर मैंने सिर्फ उतने इसको भी छुड़ाया और फोर टाइम्स किया तो आई गेट दिस अदरवाइज तुमको हर एक के लिए छुड़ाना पड़ेगा विच डजंट मेक एनी सेंस सो इथे काय होणार आहे तुमचं इफ आई जस्ट जो मैंने शेड किया है रेड से उसका एरिया निकालना एंड मल्टीप्लाइड बाय फोर सो आई यू हैव टू ऑप्शन तुम बोलोगे सर कौनसी एक्सिस घ्यायची कौनसी एक्सिस घ्यायला पाहिजे तो तुम बोलोगे अब क्या करना अब कुछ नहीं सब चलता अपने को तुमको लगा वाई एक्सिस पे लेना है तो एक्स डी वाई गया तुम्हारा जर एक्स एक्सिस वर पाहिजे तो वाई डी एक्स क्या कोई फरक नहीं पड़ता मुझे इसका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन आई विल कीप ऑन जीरो टू ए ठीक है मी काय करणार आहे जीरो टू ए एक्स है इसलिए उसका आंसर क्या आएगा वाई डी एक्स मतलब एरिया फंक्शन काय राहणार इन फंक्शन विल बी इन एक्स सो सिंस आई एम टेकिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस तो मी दोन्ही सांगणार आहे तुम्हाला एक मैं छुड़ा के दूंगा सेकंड वाला तुमको छुड़ा के वेरीफाई करना है कि सेमी आंसर आता है कि नहीं रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल्स टू एक आएगा जीरो टू ए जीरो टू ए इज ऑन एक्स एक्सेस सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड x is equals to a so since it is on x axis it will be y dx theek hai ye hua first second it will be required area a is equals to 0 to b jo y axis pe so it will be x dy matlab function will be in terms of y and x so I am going to solve ye wala मी हे सॉल्व करणार आहे इकडे मैं ये वाला छुड़ाने वाला हूं तुमको सेकंड वाला छुड़ा के वेरीफाई करना है कि अपना आंसर पाई ए बी आता है कि नहीं आता ठीक है ना रिक्वायर्ड एरिया साठी मला वाई पाहिजे सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन ठीक है तो मुझे सिंस y चाहिए तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करेक्ट 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर इधर गया सो y स्क्वायर में इधर आया a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला y square is equals to b square upon a square into a square minus x square constant है तो मैंने साथ में लिखा b और a को so since I am going to get y मुझे y is equals to root of b square by a square is b upon a into root of a square minus x square अब ये किसके लिए कर रहे हैं अपन सिर्फ first quadrant के लिए कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कर रहे हैं तो सिंस ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा फोर तो यहाँ पे भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो फोर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना तो अब फाइनल इस पे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया मैं फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने वाई निकाला तुम सेकेंड वाला छुड़ाओगे अगर तुम कोई भी एक छुड़ा लेना एक तो मेरे जैसा छुड़ाओ या तो बी स्क्वायर मतलब सेकंड वाला छुड़ाओ बोथ आंसर शुड बी पाई ए बी रिक्वायर्ड एरिया इज फोर टाइम्स जीरो टू ए मतलब आई एम ऑन एक्स एक्सिस वाई डी एक्स विच टर्न्स आउट टू बी जीरो टू फोर ए इज इक्वल्स टू सॉरी जीरो टू ए फोर टाइम्स b upon a into root of a square minus x square numerator वाले formula में चले गए x by a square by 2 x by a square by 2 x by a square by 2 so we get a is equals to 4 times b upon a
0 to a of under root of a square minus x square dx. So for that, 4b upon a x by 2 into jo pucha wo, plus a square by 2. अब ये किसके समान दिखता है? Sine inverse के समान. So मुझे क्या मिलेगा? A square by 2 into sine inverse of x by a. कहाँ से? 0 से a तक. कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक. So when I put a, 4b upon a तो अपना अलग ही चल रहा है. जब मैं a डालूँगा यहाँ पे value, तो it will be a by 2 into root of a square minus a square, 0 हो गया, plus a square by 2 sine inverse of a upon a minus, बड़ा सा minus sign क्योंकि अब मुझे 0 डालना है, minus, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 0 upon 2 into root of a square minus 0 plus a square by 2 sine inverse of 0. तो second bracket तो पूर्णांचा पूर्णा कहे जा रही तुमची 0. क्योंकि 0 into anything is 0 and sine inverse of 0 is 0. So finally 4b upon a into ये भी term 0 हो गई. बच्चा क्या तुम्हारे पास? A square by 2 into sine inverse of 1. A square by 2 into sine inverse of 1. Sine inverse of 1 is pi by 2. ठीक है, तो 4b upon a into a square by 2 into pi by 2. ये 2 into 2, 4. 4 गया, a गया. Final answer is pi a b square units. ये तो अपन ने पहले ही discuss कर चुके थे. आंसर क्या आया तुम सब? पाई ए बी. इसलिए आंसर पता हो ना, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है. आंसर से इंपॉर्टेंस का है कि यू नीड योर बेसिक थिंक सो दैट इथे कुठे गड़बड़ पण झाली, इधर कहीं गड़बड़ भी हो गई, तो अपन आंसर ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो दिस वाज एरिया ऑफ एलिप्स. आता वी डिड स्टडी एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, पण आता खूप इंटरेस्टिंग पैराबोलास है, तो प्लीज ध्यान में रखना, कारण की त्याची एक ट्रिक पण है. ठीक है, ट्रिक पण है. क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोला x y square is equals to 4ax, which is apna, and x square is equals to 4ay, which is swarg, where a is greater than 0. Swarg aur narak madhe cha hai apan, barobar hai? Sorry, swarg aur apne bich mein hai. To kaun se parabola ki baat kar rahe apan? We are talking about apna, ye apna parabola hai, and ye swarg wala parabola hai. Okay? तो आता आपल्याला त्या दोघांबद्दल डिस्कशन करायचं आहे. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम. सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे? आपली डायग्राम आहे, दो पॅराबोला की डायग्राम आएगी अपने पास. तो पॅराबोला कसे राहतील? एक रहेगा अपना, एक पॅराबोला काय आहे, कोणचा आहे आपला? अपना पॅराबोला. और एक पैराबोला कौन सा है? स्वर्ग वाला पैराबोला. ये दोनों के बीच का एरिया निकालना है अपने को. सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, उस दिन भी मैंने बताया था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक तो पॉइंट पक्का है अपना, एक है 0,0, दूसरा वाला अपने को निकालना पड़ता है. तो अगर तुमको थोड़ा सा पहले का प्रॉब्लम याद होगा जो अपन ने पैराबोला के बीच का निकाला था, दो पैराबोलास के बीच का, तो तुम्हारा माहिती असेल आपण काय केलं होतं की अपन ने एक का इक्वेशन दुसरे में डाल दिया था. सो फॉर एग्जांपल, ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, सो y इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ ax, y इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ ax, तो इसमें मैंने डाल दिया.
या तो तुम यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हाला जसं ही आहे, एंड इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay में डालना है अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस तुम इसको स्क्वायर कर सकते हो, जैसे एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4a, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर. यू कैन डू दिस ऑल्सो, एंड इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कोई ये नहीं है. ठीक है, तर आपण त्याला सब्स्टिट्यूट करू. लेट्स सी काय मिळतो. एक्स स्क्वेअर के जगह में वाई टू द पावर 4 डाल रहा हूँ, अपॉन 16a स्क्वेअर इज इक्वल्स टू वॉट वी विल गेट, वाई टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4ay. सो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 64, 16 into 4 is 64, a cube, y, एक y, एक y गया. So basically बचा क्या, y is equals to 64 a cube, y cube is equals to. So 64 किसका cube है, 4, and इस ये क्या है अपना a cube. और तुम्हाला जो दोन points पाहिजे, एक तो point पक्का है अपना, पण आपल्याला तो दाखवावा लागतो. So how you solve it is y cube minus 64 a cube is equals to 0. Either you can do this with keeping the y here. Current ki ek point will be fixed. 0, 0. Wo to change nahi ho raha apna. Okay. Change kya ho raha hai? Apna has a point hai. For example, p. That will be new for us. So taking cube root. y is equals to क्या मिला मुझे 4a, y is equals to 4a, and अगर मैंने यहाँ पे या कहीं भी इधर y is equals to 4a डाल दिया, since y is equals to 4a, x is equals to भी मुझे 4a ही मिलता है. x पॉइंट का है मैं तो मतलब 4h में, तो उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. you can substitute the values, जैसे यहाँ पे y के जगह 4a डाला यहाँ पे, so x is equals to 4a whole square upon 4a. तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक एक कैंसिल हो गया 4a. so please keep in mind, if you have अपना पैराबोला एंड स्वर्ग वाला स्टैंडर्ड पैराबोला, this point is 4a comma 4a, this point is 4a comma 4a, हाँ स्टैंडर्ड असतो आपला. okay, so इसका मतलब जब मैं ड्रॉ करूंगा तो एक आएगा इधर ये पॉइंट और एक आएगा ये पॉइंट, सो इट विल बी 4a एंड 4a. मेरा स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, इट शुड बी स्क्वायर प्रॉपर. ओके, सो 4a कॉमा 4a आता. सो नाउ व्हाट यू हैव इज यू हैव लिमिट्स. सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल्स टू 0 से 4a. अब सिंस दोनों तरफ मेरा 4a है, तो तुम y dx लो या x dy लो, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आंसर तो वही आना चाहिए. सो सिंस इट इज बोथ साइड, सो आई एम टेकिंग y dx. आता y काढावा लागेल मला, तो विच कर्व. अब प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक कर्व निकाल रहा था. ठीक है, ये गलती बहुत नॉर्मल गलती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कर्व निकाल रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपने पास दो कर्व है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कर्व मधून दूसरा कर्व माइनस करावा लागणार आहे. सो टेक्निकली इट शुड बी मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू. काय राहायला पाहिजे माझा आन्सर, मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू, या मॉड ऑफ ए वन माइनस मॉड ऑफ ए टू, क्योंकि निगेटिव्ह आन्सर, या मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू टू बी व्हेरी प्रिसाइज. तर कसं येईल माझा एरिया, देअर फोर a is equals to integration of 0 to 4a of y dx minus 0 to 4a of y dx. इसको लगे तो तुम y1 और y2 दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मॉड में रहेगा एरिया, मतलब मॉड मध्येच राहील सगळं. अभी मॉड नहीं लगा रहा, तुम लोग लगा सकते हो, अच्छी आदत है एक्चुअली. ठीक है, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू. एट द एंड भी तुमने बताया, स्पेसिफाई कर लिया कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव एंड तुम मॉड लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. स्टार्टिंग से लगाते गए, दैट इज ऑल्सो फाइन, इट्स अप टू यू. आदत अच्छी है, बस गलतियां कम हो जाती है उसमें.
सो पहला एरिया इज तुम्ही घ्याल 2ax, सो आई गेट सिंस मॉड्यूलस आहे, सिंस मॉड्स एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ट्राय टेकिंग माझ्यापेक्षा काही वेगळं एंड देन फाइंड युअर आंसर्स की सगळे बरोबर आहे की नाही. इससे क्या होगा, तुमको दिमाग में, खुद के दिमाग में सब डाउट्स क्लियर होते रहेंगे की ओके ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा. जर मी हा एरिया, आता जसं मी पहिला एरिया घेतो आहे 2√ax, ये कहाँ से आया मेरा, यहाँ से y square is equals to 4ax से. सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिख के रखता हूँ, y square is equals to 4ax, therefore y is equals to 2√ax, ओके. एंड दूसरा का है x square is equals to 4ay, therefore y is equals to x square by 4a. Do not take एक y and एक x, दो एक तो y dx रखो, नहीं तो x dy रखो, अलग अलग मत करना उसको. 0 to 4a of 2√ax minus, दूसरा क्या मिला तो मला x square by 4a, दूसरा क्या मिला था मुझे x square by 4a, so it will be 0 to 4a of x square by 4a. Now please keep in mind, तुमने अगर ये वाला पहले लिया और ये वाला पहले लिया तो क्या होता है, खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास सॉल्व करो, गलत ही आएगा ना आंसर, और क्या होगा. गलत रहा, अगर ये सिस्टम गलत रहा तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, उससे ऊपर तो कुछ होगा नहीं. सो व्हाट वी गेट इज 0 to 4a ऑफ, 2 को बाहर निकाला, 2 को क्यों बाहर निकाल रहे अपन, ये a भी तो कांस्टेंट है, फालतू बस लाया था. 2√a को बाहर निकालते हैं, 0 to 4a, और रूट एक्स को लिख रहा हूँ x टू द पावर 1/2 dx, ठीक है, माइनस 0 to 4a, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल रहा हूँ 1/4a, 0 to 4a of x square dx. So answers 2√a, answer काढायला गेलो तर काय येणार आहे, 2√a x to the power 3/2 upon 3/2, 0 to 4a minus 1/4a बाहर रखा तो मुझे क्या मिला, x³/3, 0 to 4a of, मतलब जे पण आपण लिमिट्स टाकू, सो 2√a ऑफ, इसको 2/3 करके उलटा बाहर निकाल लिया, 4a to the power 3/2 माइनस 0. अब तुमको पता है क्या 4a to the power 3/2 को कैसे लिखना है, पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने, माइनस 1/4a, 4a³ माइनस 0. सो मूविंग ऑन टू फाइनल आंसर्स, आता कसे येतील पा, 2√a किंवा इथे लिहितो मी 4√a/3, 4a√4a मायनस 1/4a इंटू 4a³, ठीक है, करेक्ट. सो यहाँ पे क्या मिला मुझे, 4√a एंड 4√4a, सो 4√a इंटू रूट 4 विल बी 2, सो इट विल बी 2a√a, क्या मिला मुझे, 2a√a/3 माइनस 4a² 4a का होल स्क्वायर, राइट. अब सिर्फ उसको छुड़ाना है अपने को, तो क्या क्या मिल रहा देखते हैं. 4 × 2 = 8, √a × √a विल बी, √a × √a विल बी, व्हाट वी गेट इज a × a² तो a² / 3 माइनस 16a². अब सिर्फ एलसीएम 3 लाना है अपने को, एलसीएम 3 लाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8a² / 3, अतः पा तुमसे आंसर नेगेटिव है, 8a² / 3 माइनस 16a², मैं यहाँ पे एक 3 भूल गया हूँ, अपॉन 3 वाला वो जो 3 है तो विसर दो, तो 3, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं अपॉन 3 वाला जो 3 है तो विसर लो, तो सो इट इज 8a² माइनस 16a², करेक्ट. सो व्हाट विल बी माय आंसर, ओ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक,
4 into 2 will be 8a. So it will be 32a square. Calculation mistake thi meri, please correct kar lo. It will be 32a square. So 32a square upon 3 minus 16a square by 3 is 16a square by 3 square units. That is your answer. That is your answer. Okay. Ab kal main kuch important problems mein, this was today's thing. कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा के दूंगा एंड ये सो तुम्हारा आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन वन सब क्वेश्चन 1-5 सब क्वेश्चन 1-5 और एक काम करो पूरा क्वेश्चन 1 ही कर लो होमवर्क का है तुमसे एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़ना देखते तो है कितना आता है होमवर्क इज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 2 और 3 पे अभी मत जाओ वो मेरा काम रहेगा ओके चलो बाय बाय